हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आपके साथ, मैं हूं अंकित प्रमोद। तो आईपीएल 2021 अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अब राजस्थान के लिए पूरी खबर सामने आ गई है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जोफ्रा आर्चर जो है वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स को पहले ही झटका लग गया है। जोफ्रा आर्चर जो है वो इंग्लैंड लौट गए हैं। उनकी जो एल्बो सर्जरी थी उसके लिए, वो एल्बो में जो चोट लगी थी उसके लिए वो इंग्लैंड गए हैं। ECB की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी बयान जारी हो गया है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो IPL में नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा IPL नहीं खेल रहे, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआती मुकाबले जो होंगे वो नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला जो है वो 12 अप्रैल को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ होना है, तो उस मुकाबले में आपको जोफ्रा आर्चर तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी वापसी कब तक होती है इसके बारे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में जोफ्रा आर्चर हिस्सा थे, उसके बाद T20 सीरीज़ में भी वो हिस्सा थे, और उन्होंने एल्बो में अपने इंजेक्शन लगवाए थे, उसके बाद पूरी T20 सीरीज़ खेले। अब जब वनडे टीम का ऐलान हुआ इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सीरीज़ के लिए, तब जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं दिया गया और उनको आराम दिया गया, और बयान जारी करते हुए साफ किया गया कि IPL 2021 के कुछ शुरुआती मुकाबले जो हैं वो जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलेंगे। माना यह भी जा रहा है कि शायद इस साल जोफ्रा आर्चर पूरा सीज़न ही नहीं खेलें, अगर उनकी चोट गंभीर होती है तो वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि उनका ध्यान जो है वो T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज़ पर है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की पूरी गेंदबाजी का जो भार होगा वो क्रिस मॉरिस, जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, उसके बाद कार्तिक त्यागी जो उनके टॉप मोस्ट गेंदबाज हैं, बेन स्टोक इंग्लैंड के ऑलराउंडर, उन पर जिम्मेदारी होगी कि वो गेंदबाजी भी अच्छी करे और साथ साथ बल्लेबाजी भी करे। ऐसे में पिछले साल का अगर प्रदर्शन देखें, जोफ्रा आर्चर ने 20 विकेट अपने नाम की थी, जबकि राजस्थान रॉयल जो है वो आखिरी स्थान पर थी पॉइंट्स टेबल में। इस बार ही कप्तान जो राजस्थान रॉयल के होंगे वो संजू सैमसन होंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ को उन्होंने रिलीज कर दिया है। जोफ्रा आर्चर इसलिए भी काफ़ी मजबूत माने जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्पीड है और जिस तरह की उनकी बॉलिंग होती है वो IPL और T20 में काफ़ी किफ़ायती साबित होती है, जैसा कि हमने T20 सीरीज में भारत के खिलाफ भी देखा। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स किस गेंदबाज पर ज़्यादा डिपेंड रहेगी, किस गेंदबाज को ज़्यादा प्लेइंग लाइन मौका देगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन बुरी खबर राजस्थान के लिए यही है कि जोफ्रा आर्चर जो है वो IPL के शुरुआती मुकाबले नहीं खेलेंगे, और जो रिपोर्ट्स है उसमें यही माना जा रहा है कि शायद इस साल का IPL जो है वो जोफ्रा आर्चर जो है वो मिस कर देंगे। तमाम IPL और जोफ्रा आर्चर समेत सभी टीमों के अपडेट्स के लिए आप इन स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।